घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। यह कहावत संगीत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। और शास्त्रकार जो हैं, हमारे पुराने जो संगीतकार हैं उन्हें कहो या जो हमारे गुरुजन हैं, वो लोग इस कहावत का अक्सर यूज करते हैं जो गुणीजन हैं, कि बेसुरा चल जाता है मगर बेताला नहीं चलता। तो ये क्यों, इसका क्या, इसके क्या मानी है, इसके क्या मतलब होते हैं, कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि बेसुरा चल जाता है पर बेताला नहीं चलता। इसी को लेकर, इसी विचार को लेकर कहूँ, या फिर यूँ कहूँ कि एक विचार आया था मेरे जहन में और उससे मैंने ये बात रिलेट करी, कनेक्ट करी कि हाँ ऐसा होता तो है वाकई। जैसे देखिए, संगीत ऐसा विषय है जो बहुत ही आम जन का विषय है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी आपको, जिस ये आने के लिए आपको पहले कुछ आना चाहिए, कोई पढ़ाई करनी पड़ती है आपको या कहीं जाके सीखना ही पड़ेगा तभी आपको ये आएगा। जो नॉन म्यूजिशियंस हैं, जो नॉन सिंगर्स हैं, जो बिना सीखे हैं, जो आम जन हैं, जो किसी और फील्ड से जुड़े हैं, उनसे भी संगीत जुड़ा हुआ है। संगीत ऐसा विषय है, वो भी गाते गुनगुनाते तो है ही, है ना, वो भी गाने सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, वो भी अलग अलग लोगों को सुनते जानते हैं ही हैं। तो वो भी कभी कभार अगर आपने देखा हो, वो लोग जब गा रहे बजा रहे हैं तो उनमें से कोई बोलेगा कि नहीं तुमने ये ठीक नहीं गाया, या मुझे पता चल गया कि नहीं यार ये गाना ऐसे नहीं गवता, ये ऐसे गवता है। तो आप सोचते हैं ये तो नॉन सिंगर है, इसको कैसे पता चला कि ये गाना इसने ठीक गाया कि नहीं गाया, इसको नहीं पता ना, म्यूजिशियन नहीं है ये, इसने सीखा नहीं, इसे सुर लय ताल के बारे में नहीं पता, फिर ये ऐसे कैसे कह सकता है। तो इस पर मेरा एक विचार आया, ऐसी ही एक महफिल से मैंने ये चीज़ निकाली है, ऐसी ही एक जगह हम लोग बैठे हुए थे और ये चीज़ वहाँ हुई कि वो लोग गा रहे थे एंड समबडी सेड कि नहीं यार ये लाइन ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे है और ऐसे नहीं गानी है, ऐसे गाना है इसको, जबकि वो लोग नहीं सीखे हुए हैं संगीत। उसने भी बेसुरा गाया था, इसने भी बेसुरा ही गा के उसे जवाब दिया कि ऐसा नहीं ऐसे करना है, मगर एक जो चीज़ थी जो उन्होंने ठीक करी, जो उस आदमी ने जिसने करेक्ट किया उसके पास थी, वो थी लय। इसीलिए मेरा ये कहना है, वीडियो के टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि बेसुरा भी गा सकता है अगर वो लय में है, तो अगर वो लय में है तो फिर सुर आ जाएगा, बाद में भी आ जाएगा, है ना, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो होनी चाहिए कि उसमें लय होनी चाहिए। इसीलिए हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला टेस्ट लय का लेते हैं, उन्हें लय ही सिखाते हैं, लय ही संगीत का प्रथम पार्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर है। ऐसा क्यों है? लय से एक बार तो मैं आपको मानी समझा दूं, लय मतलब गति होती है, स्पीड होती है, क्योंकि आम जन जो होते हैं वो लय मतलब धुन समझते हैं कि इस गाने की लय बताना मुझे, यानी उसकी धुन बताना, है ना। उस धुन में कई उतार चढ़ाव होंगे, कहीं जगह रुकाव होगा, रुकावट होगी कि भाई थोड़ा रुके, फिर गाया, कहीं ऊंचा गया फिर नीचा आया, ये उस गाने की धुन है, ये एक स्ट्रक्चर बनता है, थोड़ा ऊंचा नीचा, ये एक ग्राफ बनता है गाने का, आप इमेजिन करें तो। उसके बीच बीच में जो गैप्स हैं, कहीं गैप नहीं है, कहीं जल्दी है, कहीं धीरे है, है ना, जो गाने की बेसिक लय, जो एक मीटर चल रहा है, अगर ये मीटर चल रहा है तो कई बार इस मीटर से थोड़ा सा तेज़ भी होता है, थोड़ा धीमा भी होता है, कभी बार इसी पर भी होता है। तो नॉन म्यूजिशियंस जो होते हैं उन्हें गाने की लय याद होती है, उन्हें गाने की धुन याद होती है कि कहाँ कितना रुकना, कहाँ नहीं रुकना है, कई बार अक्सर लोगों को याद रहती है, सुर में नहीं है वो, है ना। जैसे मैंने जो जिस गाने से ये पकड़ा था, वो लोग गाना गा रहे थे कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना, तो अब गाने की जो धुन है वो है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। उनको ये याद था कि इसकी जो बांट है, उसकी जो चाल है वो क्या है, यानी उसकी जो लय है वो क्या है, उन्हें ये सुर नहीं याद कि पानी रे पानी तेरा, ये बराबर धुन नहीं लगेगी उनके गले से, लेकिन पानी रे पानी तेरा, अब ये बेसुरा था, उन्होंने पूरे पूरे सुर नहीं लगाया, लेकिन उनको लय याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, ये बेसुरी है चीज, लेकिन उनको पता है कि बीच बीच में गैपिंग क्या जा रही है, तो उन्होंने गा दी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस, ये इतना जो टाइमिंग गया, है ना, ये टाइमिंग याद हो जाता है लोगों को कई बार कि ये टाइमिंग नहीं आया मतलब ये गलत गा रहा है, तो वो कह देते हैं कि है नहीं इसने गलत गाया, तो कैसे पता किया उसने, वो लय में था। तो अगर आप बेसुरे भी हैं मगर लय में हैं तो भी आप गा सकते हैं, तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि लय जो है वो सुर के बनिस्बत जल्दी पकड़ में आती है, जल्दी समझ में आती है। लय और सुर दोनों ही अंदाज़ हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको पकड़नी होती हैं, लेकिन फिर भी लय जो है हमारे जल्दी समझ आ जाती है।
उसमें पक्कापन कब तक आता है वो खैर दूर की बात है, लेकिन समझ जल्दी आ जाती है। हम लय को पकड़ लेते हैं, है ना, लय ऐसी चीज़ है। सुर को हम इतना जल्दी नहीं पकड़ पाते, सुर जहन में बैठने में वो रियाज चाहिए उसके लिए, उसमें गले में दिमाग में सुर बैठना चाहिए आपके, लेकिन लय का ऐसा नहीं है। कई बार लय बैठ जाती है ना, और बैठने की बात है तो सुर भी नहीं बैठता, लय भी नहीं बैठती कई बार। वो तो चीज़ ऐसी इतनी नेचुरल है कि आती आती नहीं आती, संगीत ऐसा ही चीज़ है ना। मगर ये फिर भी एक बात है कि लय थोड़ी जल्दी आ जाती है। और अगर आपको लय आती है और अगर आप लय में हैं, उस गाने का स्ट्रक्चर ऐसा याद है कि कहाँ कितना रुकना है, तो भले ही आप बेसुरे हों, क्योंकि परफेक्ट सुर में तो उस गाने को वैसे भी नहीं गा पाता है कोई, जैसा गाया है वैसा तो कोई भी नहीं उतार पाएगा ना एज इट इज़। थोड़ा बहुत सुर में ही गाते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएट कर जाते हैं, हर का अपना अपना सुर है, हर थोड़े बहुत सुर में होते हैं, थोड़ी खामियाँ कमियाँ सब में होती हैं, लेकिन परफेक्ट लय उस गाने की दे पाना, दैट्स द ओनली बेसिक नीड। उस गाने की बेसिक नीड यही है कि उसको एक लय में गा दो आप, फिर बीच में कहीं बेसुरा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो वह चलता है, वो आप मैनेज कर सकते हो। तो वही कहावत जिससे मैंने वीडियो शुरू किया था कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। थोड़ा भी आप बेसुरे हो तो ठीक है, आपको मैनेज कर लेंगे, हाँ ठीक है, एक आध सुर तो निकल जाता है, लेकिन बेताला हुआ तो फिर वो फ्लो टूट जाता है गाने का, फिर आपका अगला सुर ही नहीं पकड़ पाओगे आप। कई बार क्या होता है, जैसे ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जब बिगिनर्स सारेगामा पधनिसा लगाते हैं, तानपुरे पर लगवाएं या फिर हारमोनियम पर भी लगवाएं, हारमोनियम की चली बात छोड़े, तानपुरे की बात करें, हम जब दो सुर लगा के एक सुर लेकर कर हम गाना गा रहे हैं, अलंकार गा रहे हैं, तो अगर आपको सारेगामा पधनिसा एक लय में गवाया जाए तो आपके गले में आ जाएगा सुर, लेकिन वही छोड़ छोड़ के या रुक रुक के लगाया जाए तो कई बार गले से नहीं लग पाता है सुर, आप अटक जाते हैं, आपका सुर मिस हो जाता है, आप स्किप हो जाता है सुर, स्केल बदल जाता है ना, जो सीढ़ियाँ चल रही हैं सा रे ग म, ये जो सीढ़ी चल रही है ये चेंज हो जाती है, सा रे ग फिर ये म प ध नी ऐसे हो जाने लगता है, सीढ़ियाँ बदल जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप पॉज दे देते हो या स्किप हुआ, जैसे हम जो हमारा जो स्वरांगिनी का दूसरा पेज का अलंकार है सागर रे म, वो जब आप गाते हो है ना, तो ऐसा हो जाता है कि सागर रे म ग प, ये छोड़ छोड़ के लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ, एक फ्लो टूट रहा है, एक लय टूट रही है, एक जुड़ाव टूट रहा है एक से एक, तो उसमें लगाना मुश्किल होता है। गीत में भी यही है, जब आप गा रहे हो तो अगर कहीं रुक गए, मान लीजिए सांस ले ली, जैसे गाने का कट आया कहीं, आप रुक गए, अगली लाइन उठाओगे तो सुर बदल जाएगा आपका, कई बार ये होता है, हमारे स्केल बदल जाते हैं, तो वो इसलिए होता है कि गाने की एक जो लय बनी हुई है वो नहीं टूटनी चाहिए, एक फ्लो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसी पर ये वीडियो था, तो आप लय को समझें, लय को सीखें और संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद देखने के लिए।